बैक हैं जिस पर आप सवाल खड़े करें। बहरहाल इस बीच हिमाचल का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, हिमाचल का डेटा हम रख देते हैं। हिमाचल की चार सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन का जलवा यहां पर देखने को मिल रहा है, एनडीए गठबंधन के हाथ खाली रहने के आसार हैं। हिमाचल की चार सीटों का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि एनडीए यहां पर मजबूत बढ़त की तरफ बढ़ रहा है और एनडीए गठबंधन के हाथ यहां पर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये संकेत हिमाचल से मिल रहे हैं। बिल्कुल, हिमाचल में बंपर फायदा एनडीए को, एक तरीके से सुपड़ा साफ। आईएनडीआईए का खाता भी नहीं खुल रहा है, ना ही अदर्स का कोई असर है। चार सीटें, चार की चार सीटों पर जो है वो एनडीए बढ़त बनाती हुई इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। और बीजेपी के उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में है, उनको टिकट दिया गया है, उनका गृह क्षेत्र भी है। चार सीटें आती हिमाचल से, चारों पर ही मजबूती के साथ एनडीए यहां पर नजर आ रही है। मतलब 2019 की कहानी यहां पर दोहराई जा रही है। हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी, हिमाचल में एक बार फिर से 2019 की कहानी दोहराई जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कमाल किया और उसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस को लगा कि हिमाचल से हमारे लिए संकेत मिल रहा है कि हम 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हिमाचल ये कह रहा है कि नहीं भैया, हमने जो 2019 में किया था वही 2024 में करेंगे। नहीं, ये जो आंकड़े आपके हैं मुझे भी चौंकाने वाले हैं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जहाँ से खड़े हुए हैं अनुराग ठाकुर जी, उनकी विधानसभा की सीटें जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मजबूत स्थिति में बीजेपी है, कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में रहेगी। और अभी जो आंकड़ा हिमाचल का और पंजाब का दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस मजबूती से आएगी, लड़ेगी। अब सीटें कितना मिलेगी हिमाचल की चारों सीटों, ऐसा नहीं मतलब आप पंजाब और हिमाचल और हरियाणा में तो खाता नहीं खुल रहा है एनडीए का, कह रहे हैं कि मजबूती से टक्कर देगा आईएनडीआईए, इसका कोई आधार? देखिए, पंजाब में अभी जो किसान का आंदोलन है चल रहा है, किसान के आंदोलन से वोटर्स प्रभावित होंगे और खासकर पंजाब और किसान। लेकिन अब आप देखिए कि एक वो किसान आंदोलन था, एक आज किसान आंदोलन है, बहुत फर्क है। इसका यूपी में कोई असर नहीं है, इसका हरियाणा में कोई असर नहीं है, इसका दिल्ली में कोई असर नहीं, इसका राजस्थान में असर नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों को दिखा। देखिए, ऐसा है, देश का राजनीतिक समीकरण अभी बदलने वाला है, क्योंकि भगदड़ हर पार्टी में बची हुई है। आप देखिए कि बीजेपी से भी लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, और अभी जो SBI वाला मामला है, 15 मार्च के बाद चीजें और बदलेंगी, प्रभावित होंगी उससे। हमें सहयोगी निखिल के पास जाना है, लेकिन उससे पहले अनिल जी आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा में 10 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 10 सीटें कैसे मिल जाएंगी, इनके सिटिंग सांसद तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एनडीए को मिल रही है, एनडीए में कहां बचा कुछ, जेजेपी तो चली गई ना, जेजेपी ने तो उनके साथ तो चले गए, उनके साथ धोखा हो गया, वो छोड़ के चले गए, कहां बीजेपी पे कुछ बचा है। और दूसरा, आप शायद भूल गए होंगे, जो वो पहलवान बेटियां थी ना, जाटों की नाक नहीं थी वो, उस हरियाणा की इज्जत थी जिसको सरेराह दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। और तो और उसके जो आरोपी थे ब्रिजभूषण सरन सिंह, उन्होंने कहा दबदबा कायम रहेगा, पूरे नेशनल चैनल्स पे चलाया गया, तो हरियाणा उस बात को माफ कर देगा क्या? आज जेजेपी अपनी इज्जत बचाने के लिए गठबंधन तोड़ रही है, और मैं समझता हूँ कि इन सीटों पर इंडिया गठबंधन हरियाणा में ना बोले ब्रिजभूषण का नाम आ गया तो गलत लग रहा है आपको, के ऊपर राजनीति करने में सब जनता के हाथ में, नहीं आपकी बेटियां सब जनता के हाथ में, वन टू वन नहीं, आपके अपने वन टू वन नहीं, वन टू वन नहीं। मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े, एक बार उनके पास से लेते हैं। निखिल, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं इस मेगा ओपिनियन पोल पर, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, जिन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में गए हैं, क्या कह रहे हैं मेरठ के लोग? देखिए, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में एनडीए गठबंधन बढ़त बना रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाटों का, इसे जाट लैंड कहा जाता है, किसानों की लैंड कहा जाता है, और जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, भाजपा और आरएलडी एक बैनर के तरह चुनाव लड़ेंगे अब आने वाला चुनाव, तो उससे एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि बहुत सारी सीटें जो असमंजस में फंसी हुई थी वो अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में यहाँ दो बार तीन बार से सांसद भाजपा का है, और अभी भी जो लोगों का रुझान है वो भाजपा की तरफ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरठ के ये लोग हैं, ये मेरठ का बुढ़ाना गेट इलाका है जहाँ पर गज्जक बहुत फेमस है, और यही के ये लोग हैं। ये बताएं किस तरीके से आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दे को लेकर चुनाव होगा और कौन बढ़त बना रहा है? मुद्दा तो बिल्कुल स्पष्ट है, देश की जनता ने मन बना लिया है, रामलला विराजमान हो चुके हैं और मथुरा की बारी है, काशी में बाबा भोलेनाथ आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदुत्व की ओर से जो लहर चली है रामलला के ऊपर, जो सनातनी पूरे अभिभूत हैं, तो निश्चित तौर पर बार मथुरा की बारी है, नारा 400 पार का है, क्या होगा ऐसा कुछ? 400 पार जरूर होगा, मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष को अपना
मान लिया है, पूरा परिवार है, सबके सुझाव ले रहे हैं, पूरे परिवार के सदस्यों का सुझाव ले रहे हैं। हर चौराहे पर देखिए पेटी का रखी हुई है।